नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी शानदार भर्ती के बारे में जो निकाली है CSIR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने। यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी है उसमें वैकेंसी आई है TA की, और इसके लिए आपको लगभग 45,000 रुपये महीने सैलरी मिलने वाली है। जो भी केंद्र सरकार के नियमानुसार जो सुविधाएं मिलती हैं वो सब आपको मिलने वाली हैं, और इसमें सिलेक्शन होगा आपका रिटन एग्जाम के थ्रू। और आज हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखना। तो साथियों, वैकेंसी निकाली है CSIR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ने, और रिक्रूटमेंट नंबर है 1/2020। अगर हम इसके लिए बात करें कि वैकेंसी कितनी आई है, तो इसके लिए वैकेंसी आई हुई है आपकी 24 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, जिसमें 12 है जनरल की, OBC की है 7, SC की 2, ST की 1, EWS की है 2 वैकेंसी, और एक वैकेंसी इसमें PH के लिए रिजर्व है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल रहने वाली है जनरल के लिए, वहीं OBC के लिए 31 और SST के लिए रहने वाली है 33 साल। वहीं हियरिंग हैंडीकैप्ड की एक वैकेंसी है, उसके लिए रहेगी ये 38 साल। सैलरी आपको मिलेगी 9300 से 34800 ग्रेड पे, 4200 वाले ग्रेड में यानी पे लेवल 6 में, और आपकी बेसिक सैलरी होगी 35,400। TA DA HRA सब मिला के ये हो जाएगी आपकी लगभग 45,000 रुपए महीने। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको गोवा, कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम में जॉब करनी होगी। अब आपको बता देते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको जाना है www.nio.org पर। आप यहाँ 17 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 17 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपये फीस लगेगी मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल, OBC, EWS वाले हैं। बाकी SC, ST, PH, वुमेन कैडेट और CSIR के एम्प्लॉय को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फॉर्म भरा जाएगा आपका NIO की वेबसाइट से, और फीस भी ऑनलाइन ही आपकी जमा होने वाली है। और फॉर्म भरते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की और वैकेंसीज की। तो देखो, इसमें पहले टाइप की वैकेंसी आई है, वैकेंसी का नंबर है 501। तो पहले नंबर की जो वैकेंसी है वो आई है 2 वैकेंसी जनरल की, 1 OBC की, 1 EWS की। उसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास BSc डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या फिर मैथ में, और साथ में आपने 1 साल एक्सपीरियंस प्राप्त किया हो ओशिनोग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर करंट मीटर डिप्लॉयमेंट में या फिर CTD में मैकेनाइट ट्रॉलर के थ्रू, या फिर कोस्टल और ओशन प्रोसेसेस की मॉडलिंग को हैंडल करने में रिसर्च वेसल्स में। अगर हम बात करें अगली वैकेंसी की, तो अगली वैकेंसी आई हुई है आपके लिए लाइब्रेरी साइंस की, 1 वैकेंसी है। आपने फर्स्ट क्लास BSc लाइब्रेरी साइंस कर रखा हो या फिर BLib कर रखा हो और एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगली वैकेंसी है तीसरे नंबर पर जो है वो है 2 वैकेंसी जनरल की है, 1 SC की। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न फील्ड में। अगर हम बात करें पोस्ट नंबर 504 की, तो 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगली वैकेंसी है BSc बायोलॉजी वालों के लिए। फर्स्ट क्लास आपके पास BSc बायोलॉजी होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सैंपल कलेक्शन में, रिवर, लेक, मैरीन वाटर सेडिमेंट सैंपल एनालिसिस में, बायोलॉजिकल पैरामीटर के लिए। 3 वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं। वैकेंसी नंबर 506 के लिए वैकेंसी आई है 3। इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री में, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो सैंपल कलेक्शन में, केमिकल पैरामीटर के लिए, रिवर, लेक, मैरीन वाटर और सेडिमेंट सैंपल एनालिसिस के लिए। अगर हम बात करें पोस्ट नंबर 507 की, तो इसकी 2 वैकेंसी हैं। आपके पास फर्स्ट क्लास BSc डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी में, कम से कम 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और वो होनी चाहिए सैंपल कलेक्शन में, जिसमें जियोलॉजिकल पैरामीटर्स के लिए सैंपल कलेक्शन किया गया हो रिवर, लेक, मैरीन में, उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करें 508 की, तो इसकी 1 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास BSc आपके पास होनी चाहिए आर्कियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में। अगली वैकेंसी है पोस्ट नंबर T509, 1 वैकेंसी है जनरल की। आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर IT में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कंसर्न फील्ड में होना चाहिए। T510, 1 वैकेंसी है, डिप्लोमा मांगा गया है फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर IT में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कंसर्न फील्ड में होना चाहिए। वैकेंसी नंबर T511 के लिए 3 वैकेंसी हैं, 1 जनरल, 1 OBC, 1 ST। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का या फिर 2 साल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखो, NIO टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका पहले ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम जो होगा वो एक कंबाइंड होगा 3 घंटे का, उसमें 3 पेपर आपके आएंगे।
तीन घंटे में आपको करने होंगे, तीनों एक साथ आपको दिए जाएंगे और इसमें टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ये आपका ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। इसमें जो पेपर फर्स्ट होगा उसको पास करने के बाद ही आपका पेपर सेकेंड और थर्ड चेक किया जाएगा। पेपर फर्स्ट होगा मेंटल एबिलिटी का, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट के सवाल आएंगे। 50 सवाल होंगे 100 नंबर के और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर सेकंड होगा जिसमें 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 सवाल होंगे और एक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको मिलेंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। पेपर थर्ड होगा 90 मिनट का, इसमें आपके कंसर्न सब्जेक्ट के पेपर आएंगे, यानी फॉर्म अप्लाई किया है जिस सब्जेक्ट से उसके सवाल आएंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर आपको मिलेंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे यानी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाएंगे उनके ही पेपर सेकेंड और थर्ड चेक किए जाएंगे। तो साथियों ये थी जानकारी CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी में वैकेंसी आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट की, उनके बारे में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।